दूसरों को गिराने के चक्कर में लोग आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते हैं। गलत को गलत खुल कर कहे, क्योंकि तारीख टकराने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की नहीं। बहुत सोच समझ कर अपनों से रूठा करो, क्योंकि मनाने का रिवाज खत्म हो गया है। जब घरेलू फैसले करने के लिए बाहर के बंदी की ज़रूरत पड़ जाए, तो समझ लें कि आपका ख़ानदान तबाह हो चुका है। जब लोग आपको अपनी औकात दिखाएं, तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि वही उनकी असल औकात है। झगड़ों से कुछ हासिल नहीं होता, दोनों ग्रुप कुछ ना कुछ खो देते हैं, अगर कुछ नहीं तो अपना एहतराम ज़रूर खो देते हैं। अकल जितनी छोटी होगी, जुबान उतनी लंबी होगी, क्योंकि बर्तन वही शोर करता है जो खाली हो। झूठ बोलना आसान है, छुपाना मुश्किल है। सच बोलना आसान है, सुनना मुश्किल है। नफरत करना आसान है, झेलना मुश्किल है। इंसान कहलाना आसान है, बनना मुश्किल है। कुछ लोग हमें अपने अल्फाज से, रवैये से इतनी अज़ियत देते हैं कि ज़िंदगी में फिर कभी वो हमसे प्यार से बात करें या हम पर कोई एहसान करें, तो उनसे अजीब सी नफरत महसूस होती है। अकेले होने की सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप परेशान हो, आप उदास हो, आपको सुनने वाला सिर्फ आपका अल्लाह होता है। इख्तिलाफ़ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत की दलील है। अपनी कदर कीजिए, क्योंकि अपने सिवा कोई अपना नहीं होता। दूसरों के लिए अच्छा गुमान रखना भी बेहतरीन इबादत है। आप किसके लिए कितने अहम हैं, ये हमेशा वक्त ही बताता है। वो रब ही है जो एक सजदे में अपना बना लेता है।